केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर पलटवार किया है। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने प्रियंका गांधी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो मेहमान ग्वालियर आते हैं उनका स्वागत है, शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं इसलिए उनका सत्कार स्वागत है। सिंधिया ने कहा, विरोधियों को ग्वालियर का विकास रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो ग्वालियर में एयरपोर्ट, एलिवेटेड रोड, ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, 1000 बिस्तर का अस्पताल क्या संभव हो पाता। ये सब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और विकास प्रगति को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। देखिए, जो भी हमारे मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत और स्वागत के साथ साथ शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं तो उनका स्वागत सत्कार, लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज झलक रहा है और स्वयं शायद देख पाए, लेकिन वे भी जैसे पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे, आज कल के कार्यक्रम में भी वे लोग भी कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे कार्यक्रम समाप्त होते ही वापस चले गए हैं। शायद आपके जरिए